आपदा बहुत ही कम समय के लिए आती है, अपना असर लंबे समय तक छोड़ जाती है। आपदा को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि उसके प्रति जागरूक होकर आम लोगों को जागरूक करके आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। साथ ही बहुत लोगों से जीवन को भी बचाया जा सकता है। मंगलवार को जिला तहसील भवन में स्थित सभागार राज आपदा प्रबंध और जिला प्रशासन की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला शिविर का आयोजन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में किया गया। आपदा से निपटने के लिए RRC 11वीं NDRF गोरखपुर की एक विशिष्ट प्रशिक्षित टीम व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के समस्त तहसीलों में बाढ़ से पूर्व एक दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी को आपदा से के विषय में जानकारी दिया गया। साथ ही पूरे प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए 2 जनपदों में आपदा मित्र टीम का गठन किया गया, जिसमें गोरखपुर में 200 आपदा मित्रों का चयन किया गया और उन्हें भी इस कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया गया। कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर में SDRF NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए छात्र छात्राएं तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित लेखपाल आपदा मित्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर नी से बात करते हुए NDRF के डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा ने कहा, और आप जैसे जैसे गांव होते जाएंगे ये गांव होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो गोरखपुर का जो दिन मामला हुआ है, एवरेज बहुत अलग अलग पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपने जनता को ये बता दें कि हम निशान होता है ना, उसके बारे में आप बता दीजिए। जो थर्ड लेवल का निशान है, जो मेजर लेवल, तो कई बार आपको ग्रामीण अंचल में कई लोगों ने एक जैसे हम लोग जब उस समय रंजन कुमार साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो हम लोग एक जो टावर लगा हुआ है रात्री नदी में, एक टावर लगा हुआ है, उस पर जो पत्थर बना है, ये हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं। एक लंबा सा रेड मार्क लगा रहा था, एक लंबा सा रेड मार्क है, आप कभी गौर करेंगे, लंबा सा रेड मार्क है, दैट इज वॉज द हाइएस्ट लेवल, ठीक है। उस लेवल में इस चीज को दर्शाया गया है। अब तो और अच्छा है कि इस बार से आप में से कोई भी जन आराम से अपने सभी लोग के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप लोग नोट कर लीजिए cwc.gov.in cwc.gov.in, ठीक है। यह केंद्रीय जल आयोग का वेबसाइट है, इसमें आप जब इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा फ्लड फोरकास्ट। फ्लड फोरकास्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो पूरे मतलब इंडिया का एक मैप आ जाएगा, और मैप पे आपको कई सारे डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। आप उसको जब अपने पे थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे तो आपको गोरखपुर भी दिखाई देगा, बर्ड घाट के नाम से, ठीक है। बर्ड घाट पे आप जब क्लिक करेंगे तो हर 2 घंटे पे ये वेबसाइट है cwc.gov.in, ठीक है, हर 2 घंटे पे ये अपडेट होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट करते चले जाते हैं। नॉट ओनली फॉर गोरखपुर, ये पूरा एंटायर लेवल जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना का जलस्तर का बढ़ता है, हर 2 घंटे पे ये बताते जाते हैं, और इसमें ही रिवर का ट्रेंड भी बताते हैं कि कितने मिलीमीटर की रफ्तार, कितने सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, प्रोसेस में है। अभी इसको फुल प्रेजेंट लॉन्च नहीं किया गया है, इसमें अभी स्टडी चल रही है, ठीक है। इसलिए भी इसको अभी हम लोग पूरी तरीके से इसको शेयर नहीं करते हैं, अभी इसके बहुत सारे चीजों को अपग्रेड करने की चीजें चल रही है। अभी इसको लेकर के कमिश्नर साहब ने एक बैठक भी की थी लास्ट मंथ में, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे कि इसमें जब ये सारे इनपुट्स आ जाएंगे तब जाकर के हम FMIS को फुल प्रेजेंट लॉन्च नहीं हुआ। मैं क्लियर बता रहा हूँ, अभी लास्ट मंथ की मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब के साथ, एक नंबर को अभी जेई साहब बताना चाह रहे हैं, ये आपका इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उसका नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 220 220 220 220 207, यह आपका नंबर है। अगर आप देखिए सबसे आखिरी में वही नंबर इसमें लिखा होगा, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग इस डॉक्यूमेंट को मतलब सेफ अपने पास सुरक्षित रखिएगा ताकि इसका आप लोग प्रयोग कर सकें। और एक आप लोगों को और ये जो लिफलेट, जो भी प्रभावित व्यक्ति होता है उसको SDRF के अनुसार हमें क्या देना, राज्य आपदा मोचक निधि के अनुसार हम उसको कौन सी सहायता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें तो और भी जैसा हो तो मैं आप आमंत्रित करूंगा
जो कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुना होते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में मैं हमारे बीच में लीड बैंक अधिकारी साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में आप लोग इसको इस सेशन को लिखिएगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के, बहुत सारे वीडियो में इसको देख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मतलब सभी नेपाल साहब लोग इस पर जरा गौर करिएगा। आप लोग जब अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये पैटर्न होता ही नहीं, दैट इज नॉट अ दैवीय आपदा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, वो दैवीय आपदा। हमारी भी मंशा है कि उसका छुट्टी चल गया है, बहुत गरीब परिवार है, उसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। कभी कोई एसटीएफसी रुपया करके कभी अज्ञात कारण होती है, अज्ञात कारण कोई कारण नहीं होता, किसी भी कोई भी इंसिडेंस हो आप उसको रेक्टिफाई करिए कि भाई तेज हवा चल गई, हम खाना बना रहे थे जो पट्टी है तेज हवा चल गई, उसकी चिंगा क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। रिपोर्ट दो लाइन की नहीं, थोड़ा आप उसकी विस्तृत रिपोर्ट लिखिए, तब जाकर की बहुत चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी। इसके साथ ही जैसे आप लोग नाम की जैसे कोई व्यक्ति मर गया पानी में डूब के मर गया, मैं आपको बता दूं जब तक नदी डेंजर लेवल क्रॉस नहीं करती है उसमें और उसको हमें 4 लाख रुपए अनुदान देना है। यह चीजें स्पष्ट रहे कि यह भी आपदा की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि नदी जो है वो अपने मेन कोर्स में है। अब ऐसा नहीं है बंबू को आप कर दिए उसके बाद उसको बनाए, एयर फिल्ड बंबू जो होगा सूखा बंबू होगा, अपने साइज के हिसाब से आप उसको काट सकते हो, इस तरह से आप बंडल बना सकते हैं और बंडल के माध्यम से आप बंडल के ऊपर बैठ सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप मूव कर सकते हैं। जो मेलिंग बेल्ट होके आता है इसके बीच में थर्मा पोल है और ये नदी में आप किसी राप्ती नदी में भी अगर इसको पान के अगर पहले रखते हैं तो 72 घंटे तक आपको डूबनी नहीं देगा। बना सकते हैं इसमें 4 आदमी एक साथ, कितने आदमी इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस तरह से 4 आदमी हल्का से इसको सपोर्ट करके आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, अगर इसको भी कर सकते हैं। इसमें जो रोप दिया हुआ है, इस रोप को मतलब यह है कि इसको हम रस्सी बांध के इसको दूर अगर कोई विक्टिम डूब गया है तो रोप थ्रो करके इसको हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं। दूसरा, कई बार जब इसको थ्रो करते हैं इसको जब लाइफ बॉय को तो ये स्लिप कर जाता है, तो कभी कभी विक्टिम के हाथ में ये रस्सी भी आ जाता है, तो उसके माध्यम से भी आसानी से हम विक्टिम को खींच सकते हैं। तो आप कहीं इसको लेके जाएं या पंचर आपको पता ना चले बीच नदी के, ऐसा ना हो कि तो आप दोनों डूब जाएं, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप इस बाल को भी चेक कर लेना है प्लस इसके पेड़ को भी चेक कर लेना है कि कहीं एयर लीकेज नहीं हो रहा है, पानी वाटर पीते हैं उसको फेंक देते हैं, तो इसका काफी इस्तेमाल है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रोप बंधा है ये काटन का रोप होना चाहिए, प्लास्टिक के रोप से इसको बॉटल को नहीं बांधना है, एक किनारे ठीक जहाँ पे लेक है वहां पे बंधा रहेगा, दूसरा जो है बॉडी पार्ट नीचे की तरफ बंधा रहेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैसे बंधेगा, ढक्कन ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, नीचे रहने से फायदा क्या होगा आप जरा नहीं देखना, कहीं भी पानी भरने जाएंगे तो इस तरह से आप पानी नहीं भरते हैं, भरते हैं क्या कहीं तालाब वगैरह में पानी भरने जाते हैं तो इस तरह से तालाब में पानी भरते हैं और वो आसानी से भर जाता है, तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपको फ्लोटिंग में मदद करेगा। ये है, इसको बांधने की जरूरत नहीं है, इस तरह से जो अगर ग्राम सिमर है या होता है प्रोपेलर में स्विंग आती है तो इस तरह से इसको क्या करेंगे पकड़ लेंगे और आसानी से तैर सकते हैं या फ्लोट भी कर सकते हैं। ये बंबू इस तरह से नहीं रहेंगे, बंबू पूरा बंबू रहेगा, सभी उसमें एयर फील्ड रहेगा आपको मदद करेगा, तो इस तरह से चारों कोने में रहेगा, इस चारों को बंबू के माध्यम से बांध देंगे, जो जेरिकेन रहेगा या जो भी चीज रहेगा उसको नीचे वाले हिस्से को आप एयर टाइट करेंगे पॉलिथीन के माध्यम से या किसी माध्यम से आप उसको एयर टाइट करेंगे। एयर फिल्टर रहता है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, ऊपर वाले हिस्से को डिस्टर्ब किया गया नीचे वाले को, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, ताकि उसमें जो एयर फिल्ड है वही आपको फ्लोटिंग करने में मदद करेगा। आज बाढ़ से पूर्व की जो तैयारी है उसी के संबंध में एक ट्रेनिंग कार्यशाला यहाँ चलाई गई है। गोरखपुर जनपद के 7 तहसीलों में हमने एक एक दिन का कार्यशाला का प्रोग्राम बनाया था,
जिसमें आज आखिरी दिन सदर तहसील में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें हम जितने भी संबंधित लेखपाल हैं, कानूनगो, नायब तहसीलदार, BDO और तहसील के जो कर्मचारी हैं, इसके अलावा जो आपदा मित्र NDRF ने ट्रेंड किए थे उनको भी बुलाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है।